आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं ब्यूटीफुल आस्तीन डिज़ाइन। जी हाँ, ब्लाउज की आस्तीन हो, सूट की आस्तीन हो, कोई सी भी आस्तीन हो, आप उसमें इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है और मैं हूँ संजनी झा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह का कपड़ा जो है आस्तीन हो, स्लीव्स हो, उसे आपको रखनी है और ऐसे आपको डिज़ाइन बना लेनी है। जितनी बड़ी भी होल्स बनानी है आपको, जितनी सारी बनानी है, जितनी लंबी आपकी स्लीव होगी, आस्तीन होगी, उतनी लंबी आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो हम क्योंकि छोटी आस्तीन में बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको दो होल करके दिखा रहे हैं और आपको हम बताएंगे किस तरह से। इस तरह से आप पेंसिल से निशान बनाइए, उसके बाद कट कीजिए। आपको जितनी बड़ी होल रखनी है, वैसे ज़्यादा बड़ी तो चलती नहीं, आप दो साइज इसमें देखिए, ऊपर थोड़ी सी बड़ी बनाई हमने और नीचे थोड़ी छोटी वाली बनाई है। तो आपको जितनी पसंद हो और कस्टमर की जितनी डिमांड हो, क्योंकि आप जब सिलाई का काम करते हैं तो कस्टमर की अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये देखिए इस तरह का कुछ सिल करके तैयार हो चुका है, आपको अच्छे से डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, और ये छोटी स्लीव है, देखिए छोटी आस्तीन है। जनरली जब आप इस तरह का डिज़ाइन बनाते हो तो थोड़ी लंबी आस्तीन होती है तो ज़्यादा डिज़ाइन बन जाते हैं, बट हमने इसे छोटी आस्तीन में ही बनाया क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि आस्तीन में थोड़ी सी डिज़ाइन बन जाएगी क्या। पहले नहीं बताया था उन्होंने, फिर बाद में बोला कि डिज़ाइन बन जाए तो अच्छी बात है। तो हमने बोला ठीक है, ऐसे कट चुकी, सिल चुकी आधी, फिर भी कोशिश करेंगे। तो इस तरह की डिज़ाइन हमने इसमें जो है बनाई है, तो दो ही बन पाए क्योंकि लंबाई जो है थोड़ी छोटी है, पर फिर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और देखिए इस तरह से ब्लाउज़ में भी इसी तरह से काटा हमने, और ये भी काटा जो कि पीछे आस्तीन में अंदर से लगेगा, जिसे सिलाई होगी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लगाया हमने पीछे। और ये लुक है, सिल करके आ चुका है, तैयार हो चुका है, तो फाइनली ऐसा लुक नज़र आएगा। और बीच में आप चाहो तो डेकोर भी कर सकते हो, और हम आपको आगे दिखाते जाते हैं। चलिए, दोनों आस्तीन हमारी सिलकर रेडी हो चुकी है, क्योंकि स्टिचिंग का नहीं दिखाया हमने, इस तरह से कटिंग कर लिया। आपको स्टिचिंग आती है तो आप इसे सिल सकते हो, और कैसे सिलाई करनी है वो भी हम थोड़ा सा आपको बता देंगे, जिससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा और डिज़ाइन देख के आप बना सकते हो। ये देखिए पीछे हम आपको दिखाते हैं, अंदर में देखिए इस तरह से हमने जो कट किया था कपड़ा, उसे इस तरह से इसमें सिलाई किया है। और सिलाई कर देने के बाद जो है इसे कैंची से कट कर देंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े हैं। आप चाहें अगर कपड़ा रखना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा तुरपाई कर दीजिए, टांका लगा दीजिए, अदरवाइज काट दीजिए, इतनी बड़ी कपड़े की ज़रूरत नहीं है सिल जाने के बाद। और यहाँ पर जो है आप चाहें तो एक हल्का सा मोती आता है, बटन आता है, कोई से भी डेकोर कर सकते हैं। अगर आप फैंसी के लिए बना रहे हो और नॉर्मल घर के लिए बना रहे हैं, किसी के डेली यूज़ के लिए, तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गड़ती है, उसमें ज़्यादा डेकोर होते हैं तो गड़ती है। तो सिंपल डेली यूज़ के लिए है तो इसी तरह रहने दीजिए। और अगर फैंसी के लिए बना रहे हैं आप इस तरह का डिज़ाइन, तो इसमें आप छोटी छोटी मोतियाँ आती हैं वो भी डेकोर कर सकते हैं, बट अभी हमें इसमें नहीं लगानी क्योंकि डेली यूज़ के लिए ही ये ब्लाउज सिलाया गया है, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डेकोर करने की। हम आपको डिज़ाइन दिखा रहे हैं, तो कैसी लगी आपको हमारी डिज़ाइन बताइएगा। और हम बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत बारीकी से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नहीं आती तो आप आसानी से सीख सकते हैं। और ये ब्लाउज और सूट दोनों का काम करेगा, दोनों में आप लगा सकते हो। स्लीव्स का डिज़ाइन है, आराम से बना सकते हो आप। और हम आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।